अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट रेसिपी विद इकरा। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। हमें चाहिए 4 टमाटर बड़े मीडियम साइज़ के, साथ में हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल, हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट, हमें चाहिए गार्लिक 3 टेबलस्पून, टमाटर के लिए चाहिए हमें 3 टेबलस्पून, हमें चाहिए 1 टेबलस्पून चॉप कुटी मिर्चें, साथ में हमें चाहिए ओरिगानो 1 टीस्पून। सबसे पहले हम लोग टमाटो को बॉईल कर हमें इसको पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हुए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमने इसकी स्किन उतार लेनी है। ये देखिए किस तरह से आराम से इसकी स्किन उतर रही है। हमने इसकी स्किन उतार ली है और हमने इसको थोड़ा सा चॉप कर दिया है ताकि इसको हम ग्राइंड करेंगे तो ये इजीली हो जाए। ये हमारा पेस्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको कुक करेंगे और इसमें इंग्रेडिएंट्स बाकी डालेंगे। हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल, इसमें डालेंगे अब चॉप गार्लिक, इसको मिक्स करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। ये हमारी हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले। हमें चाहिए कुटी हुई मिर्च, नमक, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे ओरिगानो। अब हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल देंगे। इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे और 5 मिनट बाद इसको हम खोलेंगे। अब हम अपने ढक्कन को उठा के देखते हैं कि ये हो गई है। ये बिल्कुल परफेक्टली थिक होना शुरू हो गई है। अब हम अपनी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। खुदा हाफिज़।